दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव को महान खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में जीत के बाद अब शुरू हो गया है T20 का महासंग्राम। जी हाँ दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज समाप्त हो जाने के बाद अब 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जाने वाली है, जिसका पहला T20 मुकाबला अब से कुछ ही देर में खेला जाने वाला है। तो आखिरकार भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पहला T20 मुकाबला कब और कहां पर खेला जाएगा, इसका लाइव प्रसारण आप कैसे देख पाएंगे और दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ इस मुकाबले से संबंधित सभी जानकारी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव में कौन महान खिलाड़ी है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच टेस्ट और वनडे सीरीज के बाद अब T20 सीरीज खेली जाने वाली है। आपको बता दें, 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम ने 1-0 से वेस्ट इंडीज को करारी शिकस्त दी और इसके बाद वेस्ट इंडीज को 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से करारी शिकस्त दी। इस दौरान भारतीय टीम की युवा टीम मैदान पर उतरने वाली है। आपको बता दें कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पहला T20 मुकाबला अब से कुछ ही देर में त्रिनिदाद के ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है, जो कि काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। तो आइए भारत और वेस्ट इंडीज के बीच इस मुकाबले से संबंधित सभी महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स के बारे में जानते हैं। दरअसल दोनों टीमों के बीच अब तक 25 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां पर 17 मुकाबले में भारतीय टीम को जीत मिली है और 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा 1 मुकाबला बेनतीजा भी साबित हुआ। तो वही पिछले 10 मुकाबलों की बात करें तो भारतीय टीम ने 8 में जीत हासिल की और 2 में हार का सामना किया। तो वही वेस्ट इंडीज की धरती पर 13 मुकाबले खेले गए हैं, जहां पर 7 मुकाबलों में भारतीय टीम को जीत मिली है और 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा 2 मुकाबले बेनतीजा साबित हुए हैं। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पहला T20 मुकाबला त्रिनिदाद के ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है, जहां पर अभी तक मात्र भारत और वेस्ट इंडीज के बीच एकमात्र मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम को वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत मिली। इसके अलावा इस मैदान पर अभी तक 4 T20 मुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 1 मुकाबले में जीत हासिल की है, तो वहीं 3 मुकाबलों में पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने जीत हासिल की। तो वहीं इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 145 रनों का है और ऐसे में जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करेगा। तो वहीं भारत और वेस्ट इंडीज के बीच होने वाला पहला T20 मुकाबला त्रिनिदाद के ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम पर होने वाला है, जहां हाल ही में अंतिम वनडे मुकाबला खेला गया। इस मैदान के पिच रिपोर्ट की बात करें तो यहां पर बल्लेबाजों को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है, तो वहीं गेंद भी काफी हरकत करने वाली है। यहां पर फिरकी गेंदबाजों के साथ तेज गेंदबाजों को भी शानदार मदद मिलेगी। तो वहीं मौसम के बारे में बात करें तो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच होने वाली T20 मुकाबले में बारिश की संभावना 20% है और ऐसे में बारिश के कारण मुकाबले में रुकावट देखने को मिल सकती है। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच T20 सीरीज के अंदर भारतीय टीम को निकोलस पूरन से बचकर रहने की आवश्यकता है, जो कि अपने खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं। इसके अलावा कप्तान रोमन पॉवेल, शिमरॉन हेटमायर और काइल मेयर्स अपनी तूफानी बल्लेबाजी से भारत को परेशान कर सकते हैं और अकील हुसैन अपनी गेंदबाजी से तहलका मचा सकते हैं। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से सूर्य कुमार यादव एक बार फिर से तूफानी बल्लेबाजी कर अपने नंबर 1 बल्लेबाज होने का उदाहरण सेट कर सकते हैं। वहीं हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन, ईशान किशन और अर्शदीप सिंह से वेस्ट इंडीज की टीम को बचकर रहने की आवश्यकता बढ़ सकती है। तो दोस्तों, वेस्ट इंडीज की टीम की प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो वेस्ट इंडीज की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत काइल मेयर्स और ब्रैंडन किंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं। वहीं तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए शाई होप को खेलने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा चौथे पर बल्लेबाजी के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज निकोलस पूरन आएंगे। इसके अलावा 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए शिमरॉन हेटमायर को खेलने का मौका मिलेगा। साथ में 6ठे नंबर पर खुद कप्तान रोमन पॉवेल खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं और साथ में ऑलराउंडर के रूप में जेसन होल्डर और रोस्टर चेस को खेलने का मौका मिलने वाला है। तो वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो भारत की तरफ से पारी की शुरुआत शुभमन गिल और ईशान किशन की सलामी जोड़ी करती दिखाई देने वाली है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए सूर्य कुमार यादव को खेलने का मौका मिलेगा, जो टीम के उप कप्तान है। तो वहीं 4थे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए संजू सैमसन को विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर खिलाया जाएगा। इसके अलावा 5वें पर बल्लेबाजी करने के लिए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या मैदान पर आएंगे, जो ऑलराउंडर की भूमिका निभा
निभाएंगे और इनका साथ देने के लिए अक्षर पटेल भी खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। इतना ही नहीं, गेंदबाजों में फिरकी गेंदबाज के तौर पर युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव को खेलने का मौका मिलने वाला है। वहीं तेज गेंदबाज के रूप में आवेश खान और अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक को खेलने का मौका मिलेगा और ऐसे में इन्हीं 11 खिलाड़ियों को वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले T20 में खेलने का मौका मिलने वाला है। तो दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला T20 मुकाबला त्रिनिदाद के तोरबा शहर में स्थित ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है, जो कि अब से कुछ ही देर में 3 अगस्त को भारतीय समय अनुसार शाम 8 बजे से खेला जाएगा और इस दौरान 7:30 बजे टॉस का समय रहने वाला है और 7 बजे से लाइव कवरेज शुरू हो जाएगी। इसका लाइव प्रसारण आप टीवी पर डीडी स्पोर्ट नेटवर्क पर भी देख सकते हैं। तो वहीं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में जियो सिनेमा और फैन कोड पर आप इसका आनंद उठा सकते हैं, जहां जियो सिनेमा बिल्कुल मुफ्त में लाइव टेलीकास्ट करेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले पहले वनडे मुकाबले में कौन सी टीम जीत हासिल कर सकती है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।